एक भिक्षु और ब्राह्मण। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्धों का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधारने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वो अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया, दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न फिर दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। वो पुनः लौट आया। एक दिन जब वो ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण वहां नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वो बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूं। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूं, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपकी पत्नी ने नहीं दी है, अब किसी दिन हां भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, ये क्रम कब तक जारी रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूं। उसका धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी।